रिश्ता ही तो था यार, टूट गया, साथ ही तो था छूट गया, दिल ही तो था किसी और पे आ गया होगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। तो दोस्तों, क्या आप भी इस तरह का ट्रेंडिंग ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाइज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस तरह का स्टेटस ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाने के लिए गाइज हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है काइन मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काइन मास्टर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी काइन मास्टर ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला आइकन 16:9 वाले पे क्लिक करेगा जी, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पे सबसे पहले तो मीडिया का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेंगे। चलिए मैं एक ये ब्लैक बैकग्राउंड ही ले रहा हूँ। अब इस ब्लैक बैकग्राउंड को गाइज क्या करना है, इसे बड़ा कर लेना है, जितना बड़ा आप स्टेटस वीडियो बनाएंगे उतना बड़ा कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे कलर पे, और यहाँ से इसका जो कलर है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाना है तो यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट करेंगे, और ब्लू स्क्रीन बनाना होगा तो ये ब्लू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ पर आप जिस मतलब सॉन्ग पे वीडियो बनाना चाहते हैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो फॉन्ट वाला, तो आपको उस सॉन्ग को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो फिलहाल मैं एक वीडियो का सॉन्ग जो है ऐड कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ से एक वीडियो का सॉन्ग मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से उस वीडियो को जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ से मैं इस वीडियो का जो है सॉन्ग यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो इस वीडियो को मैं यहाँ से ऐड कर लिए। अब ऐड करने के बाद क्या करना होगा, सिंपल सा हमें इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे एक कैंची का आइकन मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देंगे ऐसे। उसके बाद इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है गाइज, आप जिस मतलब बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है थोड़ा सा प्ले करके देख लेंगे। रिश्ता ही तो था यार, टूट गया, साथ ही तो था, तो यहाँ से ले लेंगे। तो आ जाएंगे। अब यहाँ से लेने के लिए हमको फंड क्या करना होगा, यहाँ से बैक आएंगे, और बैक आने के बाद गाइज आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे फॉन्ट फॉर इंस्टाग्राम। इस एप्लीकेशन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस पर आएंगे, और आने के बाद क्या करना है, जो हमारे सॉन्ग का लिरिक्स है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो हमें यहाँ पर देख लिए, ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद क्या करना है, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आएंगे इस वाले आइकन पर, और आने के बाद यहाँ से आ जाएंगे गाइज एक ये फॉन्ट है जो कि बहुत ही अभी ट्रेंड चल रहा है गाइज, तो इस फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेंगे, और गाइज यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो हमारा सॉन्ग का लिरिक्स है, टाइटल है, यहाँ से वो हम यहाँ से ऐड लिख लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो आप ऐसे मतलब लिरिक्स लिख लीजिएगा, तो ऐसे आपको मतलब एक लिरिक्स लिख लेना होगा, तो ऐसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो रिश्ता ही तो है, तो रिश्ता ही तो था ऐसे टूट गया, मतलब आप लिख लीजिएगा। और ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, सिंपल सा हमें यहाँ से आपको देखिए कॉपी का आइकन मिलेगा, ये वाला, इस कॉपी वाला आइकन पे क्लिक करेंगे ऐसे, और क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैक आएंगे, आएंगे फिर आ जाएंगे इस काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसे जो है ऐसे प्ले करके देख, रिश्ता ही तो था यार, टूट गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आ जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है इसे आकर यहाँ से पेस्ट कर देंगे ऐसे, ऐसे गाइज पेस्ट कर देंगे। उसके बाद देने यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसे हमें क्या करना है गाइज, ऐसे बड़ा कर लेंगे ऐसे। अब इसमें एनिमेशन देना है, तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और आ जाएंगे इन एनिमेशन पे, और यहाँ से आपको एनिमेशन मिल जाएगा एक, ये मिलेगा विप राइट वाला मिलेगा, लेफ्ट वाला मिलेगा, और ये भी लेटर बाय लेटर मिलेगा, तो ये अच्छा है। यहाँ पे मैं इसे ही ऐड कर रहा हूँ, अब इसे प्ले करके ऐसे देख लेंगे। रिश्ता ही तो था यार, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद ऐसे कर लेंगे, यहाँ से देन कैंची वाला आइकन पे आएंगे, और आने के बाद क्या करेंगे गाइज, यहाँ से इसे स्प्लिटेड प्लेयर हेड करके काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है रिश्ता ही तो था ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर आ जाएंगे, तो था यार, टूट गया, साथ ही तो, ऐसे ही ले लेंगे और ऐसे दे देंगे। उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे, रिश्ता ही तो था यार, ऐसे रिश्ता ही तो था यार, टूट गया। तो यहाँ से आ जाएंगे फिर, और यहाँ से आएंगे फिर, उसके बाद गाइज फिर वैसे ही क्या करना है जैसे पहले में किया है वैसे ही ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर वैसे ही जो हमारा सॉन्ग का टाइटल का लिरिक्स है यहाँ से वैसे ही हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, उसके बाद है साथ ही तो था यार छूट गया,
ऐसे लिख लेंगे, फिर मतलब जो आपका सॉन्ग का टाइटल का लिरिक्स हो ऐसे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। और फिर लिखने के बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सिंपल सा आपको कॉपी वाला आइकन पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद फिर और फिर यहाँ से आ जाएंगे गाइज काइन मास्टर में, और आने के बाद फिर वैसे ही करना है, इस पर आएंगे और यहाँ से आएंगे और इसे थोड़ा यहाँ से डिलीट कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से क्या करना है, फिर पेस्ट कर देना है उसे, और यहाँ से भी थोड़ा ऐसे काट देंगे यार, ऐसे छोटा कर लेंगे। ऐसे उसके बाद ओके कर देंगे, फिर यहाँ से हो गया। अब इसमें भी वैसे ही करना है, नहीं तो आप यहाँ से एनिमेशन चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ये वाला भी रख सकते हैं, ये पॉप अप वाला भी रख सकते हैं, ये फैड चाहे आपको जो अच्छा लगे यहाँ से आप रख सकते हैं। उसके बाद देने यहाँ से यस कर देंगे, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप ये जो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बन के मतलब ऐसे हुआ है, तैयार हुआ है। रिश्ता ही तो था यार, टूट गया, साथ ही तो था। अब यहाँ से फिर दे देंगे साथ ही तो था, ऐसे काट देंगे। इस पे स्प्लिट एट प्लेट पे आएंगे और यहाँ से फिर आएंगे और इसे भी चेंज कर देंगे, और यहाँ से दे देंगे साथ ही तो था यार, छूट गया ऐसे, मतलब जो भी है ऐसे आप लिख लीजिएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे दे देंगे, ओके कर देंगे, साथ ही तो था यार, ऐसे दे देंगे। साथ ही तो था ऐसे, यहाँ से फिर आएंगे एनिमेशन में, और यहाँ से जो आपको एनिमेशन देना है वो आप यहाँ से फ़िलहाल आप दे सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे यहाँ से आप दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक ये भी रख सकता हूँ, नहीं तो ये लेटर बाई लेटर रख सकते हैं, वीप राइट भी रख सकता हूँ। तो चलिए मैं एक ये वाला रख रहा हूँ, उसके बाद चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखा रहा हूँ। रिश्ता ही तो था यार, टूट गया। अभी इसे थोड़ा जो है एनिमेशन इसका अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से कोई सा दूसरा एनिमेशन ले ले रहा हूँ, ये वाला ही सही है। अब यहाँ से चलिए मैं आपको इसे देखा रहा रिश्ता ही तो था यार, टूट गया, साथ ही तो था, छूट गया। ऐसे दे देंगे, मतलब आप ऐसे दे दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ से आप एनिमेशन देना चाहते हैं तो लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ से ओवर रियल में आएंगे, और यहाँ से आपको बहुत से मिल जाएंगे ये वाला एनिमेशन। तो आप यहाँ से आपके काइन मास्टर में अगर नहीं मिल रहे तो गेट मोर वाला आइकन पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक ये वाला जो है एनिमेशन ऐसे ले ले रहा हूँ, उसके बाद देन ओके कर देंगे। अब इसे जो है यहाँ पे गाइज ऐसे छोटा करके यहाँ पे डाल सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है ना। अब इसे आप यहाँ से डुप्लीकेट करके और इसे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपको यहाँ पे और भी मिल जाएंगे, आ जाएंगे ओवरऑल में। और गाइज यहाँ से आप ये रख भी सकते हैं ये वाला, तो आप यहाँ पे इसे जो है यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से गाइज आप देखिए जो जो हमारा वीडियो है मतलब ऐसे बन के तैयार हुआ रिश्ता है, ही तो था यार, टूट गया, साथ ही तो था, छूट गया। मतलब गाइज मैं आपको एग्जांपल के लिए बस बताया, आप बढ़िया से मतलब एडिटिंग करके बना लीजिएगा, ऐसे ही ग्रीन स्क्रीन स्टेटस वीडियो बनेगा। तो आप यहाँ से मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है, तो आपको मतलब ऐसे ही बना लेना है, इसमें से बढ़िया से थोड़ा सा क्रिएट कर लेना है। मैंने यहाँ पे जो है टाइटल जो है सॉन्ग का मतलब बढ़िया से नहीं लिखा है, तो आप यहाँ से बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब गाइज यहाँ से सेव करने के लिए इसे क्या करना होगा, सिंपल से शेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे, और शेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे, और ये जो है 30 रहने देंगे। उसके बाद गाइज एक्सपोर्ट वाला आइकन पे क्लिक करके गाइज वीडियो को जो है एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे वीडियो जो है हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।